वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राय टेक। तो आज की इस वीडियो आप देखेंगे कि जैसे कि ऑटोमेटिक विंडो अपडेट होता है, जैसे विंडो 11 का लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, आपके अगर लैपटॉप में विंडो 11 है तो उसमें ऑटोमेटिक, जैसे कि ऑटोमेटिक आपका डेटा आता है, तुरंत आपका जो विंडो है अपडेट होता है तो डायरेक्टली अपडेट हो जाया करे। ऐसा करने के लिए आप वीडियो देखिए, जैसे कि आपके में स्टॉप है या आपने बिगली कर रखा है तो आप क्या करेंगे उसके लिए ये वीडियो देखना होगा आपको। यहाँ से स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, वो पूरा प्रोसेस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर आप इस स्क्रीन पर नहीं आ पाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, दोबारा से आपके सामने रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको करना है इस पर क्लिक, ठीक है। इसके बाद सेटिंग, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन विंडो अपडेट का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली आप यहां से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डाउनलोड होगा, और नहीं तो आपके पास अभी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहां पर दिखाएगा चेकिंग फॉर अपडेट्स, अगर अपडेट्स मिलता है तो आप उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर दें, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अगर ऐसे स्टॉप नहीं होता, आप करते हैं तभी होता है, ठीक है। अगर आपका अपडेट नहीं होता ऑटोमेटिक तो उसके लिए क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है। अगर आपके ज़्यादा डेटा खर्चा होता है उसको भी कैसे बंद करना है, तो चलिए यहाँ से हमको हटाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा से इसी बॉक्स पे आते हैं, यहाँ से यहाँ पर टाइप करते हैं सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज लिख कर इसमें ऐप पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है इसी वाली लिस्ट में विंडो अपडेट, ठीक है, विंडो अपडेट देखना है। इसमें नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर विंडो अपडेट को देख लेना है, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर विंडो अपडेट को देखना है, लास्ट में W आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर मिला ऑप्शन ये विंडो अपडेट का, ठीक है। अब अगर आपके में यहाँ पर रनिंग नहीं होगा, यहाँ पर अगर ऐसा ब्लैंक होगा तो आपके में वो बंद है, अगर रनिंग होगा तो स्टार्ट है। अगर यहाँ से आप स्टॉप करना चाहते हैं तो इस पर स्टॉप पर क्लिक करके आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, जैसे अभी स्टॉप हो रहा है। अगर आपके में स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद फिर से मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत आपके सामने लाइव करूँगा, क्योंकि आपको ये लगेगा डायरेक्ट तो नहीं कर दिया है। तो आपको एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो कुड नॉट स्टॉप द विंडो, ठीक है, अपडेट सर्विस ऑन लोकल कंप्यूटर, ठीक है, ओके, मतलब इसमें कि हम बंद नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉपिंग हो चुकी है, यहाँ पर स्टॉपिंग दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको जैसे मैं स्टार्ट किया था वैसे ही आपको दोबारा से इसे स्टार्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ से करना है क्लिक, और इसके बाद लिखा है इनेबल द रिक्वेस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन अपडेट फॉर विंडोज एंड अदर प्रोग्राम्स दिस सर्विस। यहाँ इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये रनिंग दिखा रहा है, तो इसको आपको रीस्टार्ट कर देना है। जैसे हम रीस्टार्ट कर देते हैं तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके विंडो स्टॉप बंद है, विंडो अपडेट बंद है, तो आप यहाँ पर अभी स्टॉपिंग हो रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। रीस्टार्ट का ऑप्शन आने के बाद अगर आपके बंद होगा तो वहाँ पर पहले से स्टार्ट का ऑप्शन होगा, जैसे कि और मैं भी आप दे सकते हैं, ठीक है, इसको ये चालू नहीं है, आप दे सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक है, ऐसे ही यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे तो ये वाली सर्विस यहाँ पर चालू हो जाएगी, आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट होने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर विंडो अपडेट पर ये आ चुका है, रिस्टार्ट लिखा हुआ है, रिस्टार्ट पर इस पर क्लिक कर देंगे तो स्टार्ट रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंडो अपडेट यहाँ पर लिखा है इनेबल्स द, लिखा हुआ है रनिंग, यहाँ पर रनिंग हो चुका है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं रन, मतलब कि जो भी आपका डेटा आए तुरंत आपका विंडो अपडेट हो तो डायरेक्टली अपडेट हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।